जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल किटी गेम विद आस्था। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम आपकी पार्टी के लिए। मेरे चैनल के सारे न्यू गेम देखने के लिए चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर एक गेम की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरा गेम एंजॉय कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो गेम है हमारा हैप्पी न्यू ईयर मैरी क्रिसमस से रिलेटेड है। आपके दोनों के ओकेजन पे इस गेम को रख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा ये गेम होने वाला है, फुल्ली लकी गेम है। इस गेम के रिक्वायरमेंट में आपको दो टैग बनाने हैं। मैंने एक कार्ड शीट को कट करके हैप्पी न्यू ईयर एक पे लिख लिया, एक पे मैरी क्रिसमस लिख दिया। साथ में आपको लगने वाले हैं हाउसी के काउंटर्स। जो आज का हमारा गेम के में ट्विस्ट होने वाला है वो हाउसी के काउंटर्स के दो काउंटर्स के संग होने वाला है, 1 और 25। 1 जो है हमारा हैप्पी न्यू ईयर शो करेगा और जो मेरी क्रिसमस है ये 25 करेगा। तो बस यही छोटा सा इस गेम में ट्विस्ट है कि इन दोनों नंबर से आपको आज का ये गेम विन करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ गेम कैसे खेलना है। मैंने जो हाउसी के काउंटर्स लिए, इसमें ये जो है 1 और 25 को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, मेंबर को ये हम इस तरीके से दो बाउल रख लेंगे। जैसे ये मैंने दो बाउल रख लिए, एक मैरी क्रिसमस के लिए रख लिया, एक हैप्पी न्यू ईयर के लिए रख लिया। मेंबर को अंदाज से इसमें से एक मुट्ठी भर के काउंटर्स निकालने हैं और पहले हैप्पी न्यू ईयर में डालने हैं और फिर मैरी क्रिसमस में डालने हैं। ये डालने के बाद गेम में स्कोर कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए मैं भी इसमें से काउंटर्स ले लेती हूँ। तो ये मैंने काउंटर्स अच्छे से शफल कर लिए हैं और ये जितने पहले मेरे एक बार मुट्ठी में आते हैं वो काउंटर्स मैंने इसमें डाल लिए और फिर ये दोबारा लेके इसमें डाली है। ये इस तरीके से डाली है। अब हम इसका स्कोर चेक करते हैं। स्कोर इस प्रकार से चेक होगा फ्रेंड्स कि अगर हैप्पी न्यू ईयर वाले में 1 नंबर का काउंटर निकल गया तो हमारा जो स्कोर होगा वो ये माना जाएगा, और मैरी क्रिसमस में अगर 25 निकल गया तो ये स्कोर माना जाएगा। और मानिए इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 25 हो गया, तो हमारी जितने काउंटर्स हमने पूरे लिए हैं ये हमारा स्कोर होगा। इसके बाद में अगर हमारे दोनों में काउंटर इसमें रह जाते हैं, जैसे 1 और 25 दोनों इसमें रह जाते हैं, तो ये स्कोर माना जाएगा। जब इसमें 1 जो हमारे बच्चे काउंटर्स में 1 और 25 दोनों आएंगे तभी इसका स्कोर माना जाएगा, वरना अगर सिर्फ सिंगल 1 आ गया या सिंगल 25 आया तो इसको हम नहीं मानेंगे। तो चलिए हम स्कोर चेक कर लेते किस में 1 और किस में 25 है। सो फ्रेंड्स, मैंने काउंटर्स चेक कर लिए हैं। तो ये जो हैप्पी न्यू ईयर वाला था इसमें मेरे 1 के ही काउंटर्स आए और मैरी क्रिसमस में 25 के काउंटर्स है। देखिए 25 है, इसमें 1 है, तो ये जितने दोनों बाउल है ये मेरा स्कोर बन जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है फ्रेंड्स कि अगर इसमें 25 आता हैप्पी न्यू ईयर पे और इस पे 1 आता तो हमारा स्कोर यहाँ पे 0 बन जाता। तीसरी पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स ऐसी होती है कि इन दोनों में 1 और 25 नहीं होते और ये हमारे जो बच्चे हुए काउंटर में 1 और 25 आते तो हमारा पूरा जो स्कोर बनता ये बन जाता। एक और पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स बनती है कि हमारे बच्चे हुए काउंटर्स में 1 हो और इसमें 25 हो तो हमारा तो भी इसका स्कोर माना नहीं जाएगा जो हमारे बच्चे हुए काउंटर्स है, क्योंकि इसमें 1 और 25 दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसके हमारे काउंटर्स गिने जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ ये मैरी क्रिसमस पे जिसमें 25 आया यही हमारे काउंटर्स माने जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे दोनों काउंटर्स जितने इसमें मैंने लिए थे ये पूरा मेरा स्कोर बन गया है। इसमें हम 1 और 25 को भी और गिनेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स ये गेम खेलना है। गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। गेम अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।